नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने 2017-18 सत्र के कार्यक्रम से दिलीप ट्रॉफी को हटाने का फैसला वापस ले लिया है। ये ट्रॉफी सत्र का हिस्सा होगी। बीसीसीआई ने व्यस्त कार्यक्रम के चलते इस साल दिलीप ट्रॉफी का आयोजन रद्द करने का फैसला किया था। आखिरकार भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई की तकनीकी समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के मैनेजर एमवी श्रीधर को मौजूदा सत्र में दिलीप ट्रॉफी को शामिल करने को लेकर एक ईमेल लिखा और बाद में दिलीप ट्रॉफी को इस सत्र का हिस्सा बनाए जाने की घोषणा की गई। गांगुली ने कोलकाता में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तकनीकी समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि दिलीप ट्रॉफी बीसीसीआई के घरेलू कैलेंडर का हिस्सा होगी, लेकिन जब कार्यक्रम सामने आया तो ये इसमें शामिल नहीं थी। फिर मैंने श्रीधर को मेल लिखा, वो अभी स्वस्थ नहीं है, जब वो स्वस्थ होंगे तब इसका जवाब देंगे।